आखिरकार टाइगर श्रॉफ ने भी तोड़ी चुप्पी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिया अपना ऐसा रिएक्शन। 11 मार्च द कश्मीर फाइल्स को रिलीज किया गया और बस तभी से बॉलीवुड एक्टर्स को लोगों ने निशाने पर लिया हुआ है। हाँ दोस्तों, कई बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने अब तक इस फिल्म पर कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं दी है और इसी वजह से दर्शकों ने उन्हें काफ़ी ट्रॉल किया है। लेकिन कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म पर प्रतिक्रियाएं भी दी है और कुछ लोगों ने तो इस फिल्म को भी देखा है। आमिर खान, अजय देवगन, कंगना रनौत और प्रीति जिंटा जैसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। लेकिन अब इस लिस्ट में टाइगर श्रॉफ का भी नाम सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि इन दिनों टाइगर श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 के प्रमोशन में बिजी हैं, उनकी यह फिल्म 2022 के ईद पर रिलीज होने जा रही है। और जब फिल्मों के प्रमोशन के दौरान टाइगर का मीडिया से सामना हुआ, तब एक पत्रकार ने द कश्मीर फाइल्स पर टाइगर श्रॉफ को सवाल किया और इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म को काफ़ी अद्भुत बताया और उन्होंने इस बात पर गर्व जताया कि इस फिल्म ने आखिरकार दर्शकों को थिएटरों में लाने पर मजबूर कर ही दिया। हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ ने कुछ इस अंदाज में इस फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया है। खबरों की माने तो यह फिल्म ने 200 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर लिया है और अब बॉलीवुड एक्टर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। टाइगर, मेरा आपसे सवाल एक और है कि जैसे फिर से नो पैंडमिक के बाद फिर से फिल्में शुरू हो चुकी हैं एंड बिग स्क्रीन का मजा है बिग स्क्रीन पे ही होता है। सो जिस तरीके से अभी ये जो दौर रहा है, हाल ही में जो फिल्म द कश्मीर फाइल जिन्होंने 200 करोड़ की कमाई की है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? अ फिल्म दैट हैज स्टार्टेड अ मूवमेंट, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई मीन इट्स फैंटास्टिक। इट जस्ट गोज टू शो दैट पीपल आर गोइंग टू द थिएटर्स एंड खासकर यू नो इफ आई वांट टू बी ग्रीडी, यू नो हीरोपंती इज अ थिएटर फिल्म, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट पीपल आर कमिंग टू वॉच films in theaters again, and it's a great feeling and a great time for our industry. I think it's sort of a rebirth.